लेकिन ये लाइफ ना लॉजिक का खेल नहीं है, ये लाइफ मैजिक का खेल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। बॉलीवुड के साल की सबसे धमाकेदार स्पोर्ट ड्रामा फिल्म घूमर को लेकर आई अभी तक की सबसे बड़ी खबर। फाइनली फिल्म ने इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर पूरा कर लिया अपने 15 दिन। आज ये फिल्म का 16वां दिन। शुरुआती 15 दिनों तक धमाकेदार कमाई करने के बाद 16वें दिन फिल्म सैटरडे होने की वजह से एक बार फिर से ले रही काफी बड़ा जंप। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन फिल्म के कलेक्शन में देखा जा रहा है थोड़ा उछाल। फिल्म को मिले ऑडियंस की तरफ से काफी आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स, जिसके बावजूद भी फिल्म कर रही काफी कम कमाई। लेकिन ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में बनने वाली है हिट फिल्म। अगर बात करें फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो शुरुआती 15 दिनों में ये फिल्म इंडिया के साथ साथ दुनिया भर से कर चुकी है लगभग 19 करोड़ 10 लाख की कमाई। आज अपने 16वें दिन ये फिल्म सैटरडे होने की वजह से लगभग 70 लाख की कमाई करने वाली है। इसी के साथ फिल्म घूमर का शुरुआती 16 दिनों का कलेक्शन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 19 करोड़ 80 लाख का हो जाएगा। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में लगभग 25 करोड़ तक की कमाई दुनिया भर से कर सकती है। और फिल्म का बजट है लगभग 20 करोड़ और अपने लाइफ टाइम में ये फिल्म अपने बजट के हिसाब से एक हिट फिल्म बनने वाली है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन ने काफी लंबे समय के बाद सिनेमा घरों में वापसी की थी, जिसकी वजह से उनकी फिल्म को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे ये फिल्म OTT पे रिलीज होगी, इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है और सभी लोग इस फिल्म को देखने वाले हैं। और अभिषेक बच्चन की आने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई करने वाली हैं। तो आप सभी को फिल्म घूमर कैसी लगी, आप सभी की राय में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मूवी न्यूज को।